तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं सीरियल गिरिस्ता क्या कहलाता है के बारे में। बड़ा अपडेट आपको देंगे। जी हाँ, अरमान ने किया है देव की पिटाई। देव वही हैं जो अभीरा और चारू के बॉसेज, इनके यहाँ अभीरा और चारू दोनों ही इंटर्नशिप कर रही हैं। ये बात बिल्कुल अलग है कि अभीरा के इंटर्नशिप के बारे में घर वालों को पता है, लेकिन चारू के इंटर्नशिप के बारे में घर में किसी को नहीं पता है। चारू ने अपने इंटर्नशिप के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया है। जी हाँ, अब क्या होता है कि जो कावेरी पोद्दार है उन्हें चारू और देव एक साथ एक कैफे में दिखते हैं। इस दौरान कावेरी पोद्दार चारू को फोन करके पूछती हैं कि चारू तुम हो कहाँ। तो चारू कहती है कि नानी साहब मैं तो कॉलेज में हूँ। तो इस पे अब कावेरी पोद्दार ये कहती है कि ठीक है चारू, तुम्हारी कॉलेज के समोसे मुझे बड़े पसंद हैं, तो मेरे लिए लेते आना। चारू कहती है ठीक है नानी साहब। लेकिन चारू के मन में भी ये बात आती है कि आखिरकार नानी साहब को इतने रात में समोसे खाने कैसे याद आ गए, आखिरकार क्या हुआ है। अब भाई बहुत हंगामा होने वाला है। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है कि चारू को जॉब करने कमान तो बहुत पहले से था, लेकिन कावेरी पोद्दार ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे खानदान की लड़कियां जॉब नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब अभीरा के लिए अरमान लड़ाई लड़ी तो ये बात चारू को नहीं पसंद आई थी कि भैया आपने अपनी वाइफ के लिए तो सबसे लड़ लिया, लेकिन बहन के लिए किसी से बोलने तक नहीं गए कि हाँ मेरी बहन को भी जॉब करने की आजादी दी जाए। और इसका फल ये हुआ कि मुझे नौकरी नहीं करने दिया गया। अब क्या करती है चारू, चुपके से इंटर्नशिप करती है। ये बात अभीरा को पता, लेकिन अभीरा ने घर में किसी को भी नहीं पता है कि जहां पे अभीरा इंटर्नशिप कर रही है वहां पे चारू भी इंटर्नशिप कर रही है। इधर घर में क्या होता है कि आप सबको पता है कि युवराज जेल में चल गया है। अब घर में सब लोग बैठकर गेम खेल रहे हैं। इस दौरान अब कावेरी पोद्दार कहती है कि हम लोग साथ में सब लोग गेम खेलने वाले हैं, लेकिन चारू तो है ही नहीं। चारू कहाँ है? तो चारू की जो माँ है वो ये कहती कि चारू अपने फ्रेंड की शादी की शॉपिंग करने गई है, चारू को आने में जरा देर हो जाएगी। लेकिन अभीरा को सब बात पता है, लेकिन अभीरा फिर भी नहीं बताती है। अब क्या होता है कि सब लोग गेम शुरू कर चुके हैं, सब घर वाले बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच में अब चारू को छोड़ने कौन आता है? देव आता है। जी हाँ, चारू को छोड़ने देव आता है। और वो होता कुछ यूं है कि देव को देखकर सब लोग पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो अभीरा कहती है कि ये हमारे बॉस हैं, जी हाँ, जिनका नाम है देव। अब क्या होता है, अरमान उसको पीटने के लिए मतलब उठता है और देव की पिटाई करता है। भाई अरमान ने देव की पिटाई करी, क्या होने वाला है, क्या देव चुप बैठेगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।